नमस्कार दोस्तों, टेक्नो संजीव चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मॉल 91 से कितना विड्रॉ किया जाता है, पेटीएम और यूपीआई से मिनिमम और मैक्सिमम विड्रॉ कितना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए, मैं आपको सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट में जानेंगे हम लोग ये जो मंथली वॉलेट बैलेंस है, मंथली जो आपको मिलता है बैलेंस, वो कन्वर्ट होकर कहाँ जाता है, वॉलेट बैलेंस में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो वीडियो को देखिए पूरा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है सतीश जी मेरा जो अपलाइन का सीनियर है, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उनको फ़ोन करके मैंने ये कन्फ्यूजन दूर किया। तो आपको मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा, वो बताएंगे कैसे पेटीएम में कितना विथड्रॉ किया जाता है और यूपीआई में कितना किया जाता है। ठीक है, और जो वॉलेट बैलेंस है वो कैसे कन्वर्ट होके आपका वॉलेट बैलेंस में जाता है, जो मंथली इनकम है वो कन्वर्ट होकर कैसे अपना जो वॉलेट बैलेंस है उसमें जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों बता दूं, अगर आप मॉल 91 में ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके इंस्टॉल कर लीजिए और रिपार कोड यूज करके आप ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। ठीक है। हेलो, हाँ मेरा नाम संजीव है, मैं मॉल 91 के बारे में जानना चाहता हूँ जी। आपका जो यूपीआई का विदड्रॉ है वो मिनिमम कितना अमाउंट विदड्रॉ किया जाता है, सुन पा रहे हैं? हेलो सतीश जी, सर बोल रहे हैं ना? हेलो, हाँ आप सतीश सर बोल रहे हैं ना? जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, हम बोल रहे हैं आपका जो मॉल 91 का है मिनिमम विथड्रॉ कितना है यूपीआई से? देखिए सर, अगर पेटीएम में लेना चाहे तो 3 रुपए का है, 3 रुपए से जितना भी है, 50 रुपए के नीचे वाले अमाउंट आप पेटीएम में ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। और 50 रुपए के ऊपर वाला अमाउंट यूपीआई बैंक में ले सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, इसीलिए नहीं ले रहा था यूपीआई से, मैं 6 रुपया कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मॉल 91 के ऊपर में, इसीलिए मैं जानकारी ले रहा था। ठीक है जी 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 और सर। बाकी जो जानकारी है, मैं जो मॉल 91 का जो होम है उसमें गेम का कैसे किया जाता है, गेम या फिर वीडियो छोड़ के उसमें अर्निंग होता है क्या, हाँ सर, जैसे वीडियो बना के या फिर गेम खेल के अर्निंग भी होता है क्या इस एप्लीकेशन से? आप जो रात लगता है टावर उधर नहीं पकड़ता है क्या सर? हाँ अभी तो आवाज आ रहा है ना आपको? सर कट कट के क्या आ रहा है सर, कभी आता है कभी कट जाता है सर। अच्छा हेलो, हाँ अभी आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है सर, बोलिए। अभी हम बोल रहे हैं इसमें जैसे मोर वे अर्निंग दिखा रहा है आप TV91, इसमें से कैसे अर्निंग होता है या फिर गेम खेल के? सर हाँ, गेम खेल के कुछ वीडियो वगैरह देखेंगे तो आधे घंटे पे आपको कुछ एम पॉइंट दिए जाते हैं, समझे? और वो एम पॉइंट में जो भी पैसा बनता है वो आप शॉपिंग में इलाज कर सकते हैं। अच्छा, वो पैसे को विड्रॉल नहीं लगा सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे उस समय वो पैसे आपको डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये और सब... बाकी वॉलेट में जो कैश वॉलेट में जो भी पैसा होता है वो आप ले सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, और जो एक और बात था, हाँ, तो मंथली इनकम था वो आपका क्लियर हो गया सर? मासिक इनकम वाला क्या इसका क्लियर हो गया? नहीं नहीं, मंथली जो इनकम है, जैसे अभी मैंने 15 ज्वाइनिंग किया है, मेरे डायरेक्ट में 6 ठो है और बाकी जो है रिफार से रिफार किया है लोग, तो मेरा मंथली इनकम अभी 42 रुपया 75 पैसा दिखा रहा है। तो वो क्या हर महीना में मिलता रहेगा कि जब ज्वाइनिंग करेगा तभी मिलेगा? नहीं नहीं, आपका जो भी मासिक इनकम तो लगातार हर महीने मिलते रहेगा, लेकिन कंडीशन यह है कि लोग को स्क्रेच और स्पिन ये करना जरूरी होता है। हाँ, मतलब स्क्रेच और जो व्हील वाला घुमाना जरूरी है तभी ये लोग एक्टिव रहेगा। हाँ ना, हाँ जी जी, एक्टिव यूजर को ही पैसा दिया जाता है, अगर ये नहीं करते हैं तो ये मंथली इनकम वो जो जितना लोग कट नहीं करेंगे वो उसका कट जाएगा सर, घट जाएगा। ठीक है, वही है ना। हाँ, जो मिला है मासिक, जैसे हाँ, अभी 42 रुपया 75 पैसा है, अगर कल कोई इनएक्टिव हो जाता है तो क्या वो 42 रुपया से माइनस हो जाएगा? अगर इनएक्टिव हो जाता है तो माइनस हो जाएगा सर, अगर वो एक्टिव रहता है तो आपका उस दिन का, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ जो पैसा है डेली का डेली दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो आज अगर स्क्रेच करेगा तो आज का पैसा आज ही दिया जाएगा,
अगर नहीं करेगा तो वहाँ कल का ये एंट्री नहीं है तो उसका पैसा कट जाता है ना सर। जैसे आज इनएक्टिव हो गया, कल अगर वो फिर से स्केच करके मतलब एक्टिव हो गया, क्या वो जुड़ जाएगा? हाँ जुड़ जाएगा सर। अच्छा अच्छा, उसका पैसा जुड़ जाएगा, ठीक है, यही जानकारी लेना था क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें हम ये वीडियो बना के छोड़ेगा, इसीलिए मैं इसको जानकारी ले रहा था, ठीक है। जी जी, जैसे कल अगर एक्टिव है तो कल का पैसा मिलेगा, अगर परसों नहीं किया हाँ। तो उस दिन का पैसा कट जाएगा, फिर दूसरे दिन करेगा तो वो जुड़ जाएगा, समझे। और ये पैसा मासिक आय हमको कैसे मिलता है मैं बता देता हूँ। जैसे आपका अभी कितना है मासिक आय? 42.75 रुपये। 42.75 रुपये ये आपका महीने दिन का इनकम है। आप कंपनी है कि नहीं, महीने दिन नहीं, मैं आपको जो भी पैसा बनता है वो डेली का डेली दे देता हूँ, क्योंकि आप डेली काम करते हैं स्क्रेच स्पिन, वो डेली जो काम करते हैं, जो डेली रेवेन्यू बनता है वो आपको डेली का डेली हम दे देंगे। तो इसको एक दिन का निकालना रहे तो आप क्या करेंगे, उसको मासिक इनकम को एक दिन का निकालना रहे तो क्या करेंगे आप? कैसे करना पड़ेगा इसको? जैसे मंथली इनकम 42.75 रुपये है, उसको रिडीम लगा सकते हैं क्या? उसको एक वो तो वाले पे मिल जाता है सर डेली का डेली। जैसे मान लीजिए उसको एक दिन का आपको हर दिन कंपनी देती है तो देखते हैं वॉलेट में पैसा हर दिन बढ़ के आता है कि नहीं सर। हाँ हाँ, वो तो वॉलेट में बढ़ जाता है, ये जो वॉलेट है हम लोग का बढ़ जाता है। और मंथली इनकम जो है उसको कैसे विड्रॉ लगा सकते हैं? जैसे अभी मंथली इनकम 42.75 रुपये है, उसको देखिए सर मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका 42.77 रुपये कंपनी को मंथली में देना है। अच्छा ठीक है, तो कंपनी क्या करती है आपको डेली का डेली पैसा देती है। हाँ। तो बढ़ता अगर बढ़ता है तो इसका एक दिन का जो भी हिसाब किताब है तो डेली मिल जाता है आपको। तो मासिक इनकम वो विड्रॉल कब कहेंगे आप? तो डेली डेली विड्रॉल क्या होगा सर, वो समझ रहे हैं बात को? अच्छा अच्छा, ये हाँ हाँ, वो डेली का डेली वो पैसा कन्वर्ट करके दे देता है मंथली इनकम वाला। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया ना आप, मैं बता देता हूँ इसको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जो भी मासिक आय रहता है ठीक है ना, हाँ हाँ, उसको आपको डेली का डेली कन्वर्ट करके देता है। तो कंपनी क्या करती है, जितना भी मासिक आय है उसको 30 से डिवाइड कर देती है। सही बात, जिस महीने में 30 दिन होता है उस दिन उस महीने का 30 से डिवाइड करती है, और जिस महीने में 21 दिन होता है उस हाँ, महीने को 21 से डिवाइड कर देती है। हाँ, मान लीजिए 42 रुपया, हाँ 42 रुपया है तो 30 से भाग दिया तो एक दिन का कितना होता है? हाँ 1 रुपया कुछ पैसा बन रहा है, 1.29 रुपया शायद ऐसे बन रहा है कुछ। हाँ तो 1 रुपया के लगभग होगा, तो वो पैसा सुबह में देखेंगे हाँ, तो वहाँ वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो रहता है ना हाँ, हाँ, वहाँ पे चेक करेंगे तो एक दिन का जो निकलता है वो वहाँ पे दिखा जाएगा कि आपका नेटवर्क की गतिविधि के कारण आपका वॉलेट में इतना क्रेडिट कर दिया गया। हाँ समझ गया आपका जो है पंडा, हम समझ गया मंथली इनकम जो है वो समझ गया सर। हाँ समझ गया, कंफ्यूज दूर हो। हाँ अगर नहीं समझा पाते तो सीधा यही बोलिए कि जो भी मासिक आय है ना हाँ, हाँ, उसको डेली का डेली देगा तो 30 से भाग दे देना, 30 से भाग देने के बाद जो भी पैसा बनता है वो डेली का डेली दे देना। हाँ मिल जाता है, सही बात है, ठीक है। हाँ कल अगर वो काम नहीं करता है तो कल उनका पैसा नहीं बनेगा, काम जिस दिन उस दिन पैसा बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ थैंक यू सर। हाँ और कुछ सर कह रही? हाँ ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको फोन कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। जी जी सर, जी ठीक है सर, रखते हैं। ओके ओके। तो दोस्तों आप समझ गए हैं इसका फंडा कैसे है, जो आपका जो मैं समझा देता हूँ फिर से आपको, जैसे 42.75 रुपये इसमें अगर 30 में भगा देंगे हम लोग तो कुछ पैसा बनता है, जो कि मैं आपको भगा देकर दिखा देता हूँ। 42.75 रुपये इसमें हम कैलकुलेटर में जाते हैं, इसको ओपन करते हैं, कैलकुलेटर कहाँ पर है, थोड़ा ये रहा कैलकुलेटर हम लोग का, तो इसमें कैलकुलेटर में जाते हैं 42.75 रुपये इसमें क्लियर करते हैं। 42.75 रुपये डिवाइडेड बाई 30, ठीक है, तो 1 रुपया कुछ पैसा बन रहा है, तो मैं या फिर 31 होगा महीना, तो 31 में देते हैं हम लोग, सॉरी आपको इसमें थोड़ा बैक करते हैं, 31 में भगा देते हैं 1.37 रुपये। तो फिर से जाते हैं हम लोग मॉल 91 में, फिर हम लोग वॉलेट यार्निंग में चेक करते हैं, ठीक है, 1.42 रुपया कुछ मिला है ना, या फिर 31 में भगा जाते 1 रुपया कुछ पैसा मिला है, तो इसको हम लोग यार्निंग वॉलेट में जाते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, सॉरी ये नेटवर्क है, ठीक है। देखिए इसमें आ गया, देखिए 1.26 रुपये, ये देखिए नेटवर्क ट्री के चलते मिल गया, ठीक है, और पहले का जो उससे पहले का है 1 रुपया मिला था, जो कि मेरा रिफार है रैंक था जो कम था, उससे पहले आपको देखिए ये 67 पैसा मिला है,
जो कि नेटवर्क ट्री के एक्टिविटी, जितना एक्टिव रहेगा उतना पैसा आपको 30 का भागा देके, मंथली इनकम जो है 30 का भागा देके आपको वो डेली का डेली वो वॉलेट बैलेंस पे दे देता है। तो आपका जो कंफ्यूज है वो दूर हो चुका है। तो दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों का शेयर करिए, ताकि आपको दोस्त को भी पता चले ये ऐप के बारे में, ठीक है। और बेल आइकन को जो प्रेस करके ज़रूर रखिए और ऑल में सिलेक्ट करके रखिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ऐप का जो इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसीलिए आपको यूट्यूब में एक्टिव रहना पड़ेगा और सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप और आगे बढ़े मैं यही गुजारिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।